Hey guys, welcome back. So, आज हम जा रहे हैं कलसुबाई, the highest peak of Maharashtra. So, कलसुबाई जाने के लिए आपको स्टार्ट करना होगा बारी विलेज से एंड ये वाटरफॉल आपको क्रॉस करना होता है. ये वीडियो मैंने वापस आते हुए लिया था क्योंकि जाने के टाइम काफी अंधेरा था. रास्ता काफी इंटरेस्टिंग है, बीच बीच में फील्ड्स है, राइस पैडी जो आपको क्रॉस करके जाने होते हैं. अगर आप इस साइन बोर्ड पे आए हो तो आप सही जा रहे हो. ये स्टार्टिंग पॉइंट है कलसुबाई का. ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है कलसुबाई के बारे में. सो कलसुबाई के टॉप पे पहुंचने के लिए 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं. अगर आप ग्रुप के साथ हो तो कभी कभी 3-3.5 घंटे भी लग जाते हैं. काफी सारे रॉकी पैचेस आते हैं बीच में. एंड ये फर्स्ट स्टेयर्स है, उसके बाद एक लैडर शुरू होता है आयरन का. ये लैडर क्लाइंब करने का अपना एक मजा है. बट हाँ, अगर बहुत ज्यादा लोग हो तो ये लैडर पे थोड़ा ट्रैफिक जाम भी हो जाता है. ये रहा हमारा सेकंड आयरन लैडर. ऐसे 3 आयरन लैडर आते हैं एंड चौथा जो फाइनल आयरन लैडर है वो आपको पीक के यहाँ पे मिलेगा. एंड बारिश के बाद यहाँ पे काफी फ्लावर्स होते हैं. आप देख रहे हो येलो कलर के काफी अच्छे फ्लावर्स हैं. बीच में एक हॉल्ट पॉइंट आता है, थोड़ा एक फ्लैट लैंड है. यहाँ से आप अगर लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये फ्लावर्स दिखते हैं, वाटरफॉल दिखता है. और ये सिर्फ बारिश में होता है, बारिश के बाद ये वाटरफॉल नहीं दिखेंगे. ये फ्लावरिंग आई गेस विंटर तक रहती है, विंटर के बाद फिर फ्लावर्स नहीं होते हैं. ये थर्ड लैडर है, ये एक्चुअली सबसे बड़ी लैडर है इस सीरीज में. एंड जैसे आप ऊपर पहुंचोगे, पीक से थोड़ा सा पहले एक प्लेटो है, वहां पे काफी सारे पर्पल फ्लावर्स आए हुए हैं. ये 7 साल में एक बार आते हैं, तो वी वर लकी कि हमको ये दिखे. अब इनको देखने के लिए आपको 7 साल के बाद वापस आना होगा. These flowers do look stunning. ये मानसून के बाद भी आपको देखने को मिल सकते हैं. So, आप नवंबर तक आइए, आपको काफी सारे फ्लावर्स मिल जाएंगे. ये छोटा सा वाटरफॉल हमको मिला, we had a fun in this waterfall, थोड़ा नहा के फिर आगे गए. ये वीडियो मैंने मानसून में शूट किया था एंड आई प्रॉमिस कि एक विंटर में भी कलसुबाई का ट्रैक करूंगा एंड वो वीडियो आपको दिखाऊंगा. सिंस इस दिन बहुत बारिश हो रही थी तो वीडियो शूट करना भी इतना ईजी नहीं था. और ये फाइनल लैडर है जो आपको पीक तक ले जाएगा. आई प्रॉमिस यू ऊपर से व्यू बहुत अमेजिंग है. एंड टॉप पे कलसु माता का मंदिर है. कहा जाता है कि कलसु नाम की एक लेडी रहती थी जो एक कोली फैमिली के यहाँ पे काम करती थी. एंड उनका शर्त ये था कि वो बर्तन धोने के अलावा उनके सारे काम करेंगी. एक दिन कोली फैमिली के यहाँ पे गेस्ट ज्यादा आ गए, सो बर्तन ज्यादा हो गए थे. सो उन्होंने कलसु को रिक्वेस्ट किया कि वो बर्तन धो सकती है. इससे नाराज होकर वो पहाड़ पे आ गई और यहाँ से फिर वो कभी वापस नहीं गई.
सो ये एक वर्जन है स्टोरी का। इसमें एक दूसरा वर्जन ये है कि करसू नाम की एक लड़की लोकल गांव वालों की काफी मदद करती थी, वो लोगों को यू नो हील करती थी, उनको कोई बीमारी होती थी तो उसमें वो उनको ठीक कर देती थी। बट एक दिन वो इस पहाड़ पे आ गई और फिर कभी नीचे नहीं उतरी। सो उन्हीं का ये मंदिर है एंड अभी तो बारिश की वजह से काफी फॉग है तो आपको कुछ नहीं दिख पा रहा होगा आसपास, बट यहाँ से काफी सारे अलग अलग माउंटेन्स दिखते हैं आपको, रतनगढ़ दिखता है आपको, हरिश्चंद्रगढ़ दिखता है और भी काफी पीक्स यहाँ से दिखेंगे आपको क्योंकि ये बहुत हाइट पे है। ये मैं आपको मंदिर के अंदर ले जाता हूँ। सो दैट्स इट फॉर मी गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब करना मेरे चैनल एंड आपके फ्रेंड्स में शेयर करना ये वीडियो। थैंक यू।